चलो जी, इस क्लास में डिस्कस करेंगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अनदर सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। जैसे हमारा रजिस्ट्रेशन के हमने 22, 23, 24 देखे थे, ठीक है, उसी की तरह इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा सेक्शन 30, सॉरी सेक्शन 30 नहीं, सेक्शन 29, ठीक है। कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले वर्ड इसमें होता था सिर्फ कैंसिलेशन, अब एक नया वर्ड क्या हो गया, सस्पेंशन। ये एक नया वर्ड इन्होंने दिया, पहले नया वर्ड नहीं था, पुरानी किताबें उठा के देखोगे वहां पर क्या वर्ड था, सिर्फ कैंसिलेशन। अब दूसरा वर्ड क्या हो गया, सस्पेंशन, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या अंतर हुआ ये बताऊंगा मैं आपको, और इस सेक्शन का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब हो सकता है। इसे ऐसा समझो, जब तुमने जीएसटी नंबर लिया, क्या नाम है आपका, सोनू, सोनू ने जीएसटी नंबर लिया, ठीक है ना, तो ऐसा मानो कि सोनू ने शादी कर ली, ठीक है, सोनू ने शादी कर ली, भाई दो लोगों का मिलन हुआ ना, तुम्हारा और जीएसटी डिपार्टमेंट का मिलन हुआ, ठीक है। तो ये जो मिलन होता है जब तुम रजिस्ट्रेशन लेते हो, ये कितने सालों तक का होता है, कब तक होता है, होल लाइफ, अगले 7 जन्मों तक, ठीक है ना, हमने तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है। ऐसा ही कुछ शादी में भी होता है, पूरी लाइफ का। अब जब जो लड़के शादी कर लेते हैं, लड़कियां शादी कर लेती है, उसके बाद उन्हें ये लगता है कि अब तो पंडित जी ने बोल दिया फेरों पे, मैं अगले 7 जन्मों तक राम की हो चुकी, ठीक है, पंडित जी ने बोल दिया 7 जन्मों तक, अब तो कुछ भी करो, कुछ हो गई नहीं, ऐसा नहीं होता। पंडित जी ने 7 जन्म जो बोला वो झूठ था, ठीक है। साथ में ये भी बोलना चाहिए जब वचन दिलवा रहे कि ये कंडीशंस है, अगर तुमने ये कंडीशंस मानी तो ये अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी, और अगर तुमने ये कंडीशन नहीं मानी तो ये 7 दिन बाद तुमसे डाइवोर्स ले लेंगे, क्या ले लेंगे। तो जो डाइवोर्स वाली कहानी है वो यहां पर किस चीज की कहानी है, कैंसिलेशन की, कैंस, ठीक है। और जो सस्पेंशन वाली कहानी है, ये समझो कि वो रूट करवाई के चली गई कि मतलब कि कैंसिलेशन होने से पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, सस्पेंशन। या तो उसी में बात को संभाल लेना, नहीं तो तुम्हारा डाइवोर्स पक्का। तो कैंसिलेशन इक्वल टू डाइवोर्स, सस्पेंशन इक्वल टू रूट करवाई के जाना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन इक्वल टू शादी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जीएसटी में यही इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन में, एक तो शादी कि कैसे कैसे होगी, 22, 23, 24, 25, और एक दूसरा कैंसिलेशन, अमेंडमेंट तो होती रहती है, वो ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं पंडित जी, पंडित जी सेक्शन 29 में लिखते हैं कि अगर तुमने ये शर्तें नहीं मानी तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। अब क्या क्या शर्तें लिखी होंगी जरा तुम खुद सोच के बताओ। इन्होंने कहा जब रजिस्ट्रेशन हमने तुम्हें दिया तो हमने तुम्हें अपना एजेंट बना लिया, हमने तुम्हें अपना एजेंट बना लिया कि तुम लोगों से पैसे कलेक्ट करो हमारे टैक्स के और हमें दो, अपनी रिटर्न्स टाइम पे भरो। अब तुम रिटर्न्स टाइम पे नहीं भर रहे तो हम क्या करेंगे तुम्हारा कैंसिल। भाई जब तुम्हारी शादी हुई, शादी में तुमने वचन दिया कि मैं तुम्हें खाना दूंगा, पानी दूंगा, हर हफ्ते तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, मूवी दिखाऊंगा, ऐसे वचन होते हैं आजकल, ठीक है, कि हफ्ते में एक बार शॉपिंग कराना है, हफ्ते में एक साल में कम से कम 8-10 बार बाहर घुमाने लेके जाना है, ये सारे वचन अगर तुमने निभाए तो ठीक, नहीं तो डाइवोर्स। इसी तरीके से इन्होंने किसमें लिखा, रजिस्ट्रेशन में। अब सोनू ने जो शादी करी, सोनू ने बता दिया मैं सीए हूं, क्या बता दिया, मैं सीए हूं, ठीक है। अब शादी हो गई, पेपर दिए इन्होंने, अपनी बैलेंस शीट दी कि भाई मैं इतने रुपए कमाता हूं, ये मेरी आईटीआर है। अब ये बताओ शादी के बाद 4 महीने बाद, 8 महीने बाद पता चला ये बोकस थे, वो डॉक्यूमेंट थे कबीर लेन के, इन्होंने अपने नाम के लगा के शादी कर दी, अब बताओ उसमें डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से इन्होंने क्या बोला, जब रजिस्ट्रेशन ले रहे थे तुमने कुछ
अगर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड के बेसिस पे लिया तो रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, अब कई चीजें और इन्होंने रूल्स में लिख दिया, जैसे पंडित जी वचन लिखवा देते कि तुम इतने बजे के बाद यहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, ये करा तो ये होगा, ऐसे इन्होंने लिखवा दिया रूल्स। ये रूल्स तुम्हें फॉलो करने हैं, अगर तुमने ये रूल्स फॉलो नहीं करे तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल। अब ये बताओ, एक व्यक्ति ने अपनी शादी के 40 साल बाद डाइवोर्स हो रहा है उसका, कितने साल बाद, ऐसा हो सकता है? हाँ, शादी हुई उसकी 2020 में और डाइवोर्स हो रहा है 2060 में, तो ये डाइवोर्स कब से इफेक्ट होगा, 60 से? और इसके बीच में जो हुआ, मान लो उनके दो बच्चे हैं, उसका क्या होगा? हाँ, तो इफेक्टिव डेट क्या होती है डाइवोर्स की, इफेक्टिव डेट क्या होगी? अच्छा, कई बार कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि भाई बच्चे ये तुम्हारे नहीं है, बीवी को ही दे देता है बच्चे को, कि हस्बैंड तुम्हारे बच्चे नहीं है, बीवी तुम ले जाओगे, इनके कोई और ले जाएगा, तो इसका मतलब उसने कैंसिलेशन जो कब करा विद इफेक्ट फ्रॉम 2020, कि भाई जैसे तुम थे वैसे जाओ। हा? इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन है कि जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, एक तो यह है कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन ले लिया 1 जनवरी 2022 से और सारी चीजें ठीक चल रही थी, एक साल, डेढ़ साल, दो साल, कभी कभी डिले फाइल करते थे, 2 दिन 4 दिन बात हो जाती थी, नोटिस आता था, रिप्लाई दे देते थे, हद हो गई कब, 2024 में, जब तुमने पिछले 6 महीने से कोई रिटर्न ही फाइल नहीं करी, कुछ नहीं करा, तो अब रजिस्ट्रेशन कब से कैंसिल करा जाए? ये कह रहे कि रिटर्न फाइल नहीं करी 2024 से, कैंसिल हुआ 2025 में, तो कब से हो, जब से रिटर्न फाइल नहीं करी। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब अपराध जघन्य हो जाए, जब ऑफिसर को ज्यादा गुस्सा आ जाए, तो लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ में यह लिखा हुआ है कि तुम चाहो तो इस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन जब से इसने लिया है तब से कैंसिल कर दो, बैक डेट से भी कर सकते हो। क्या, किससे कर सकते हो? बैक डेट से। अब यही मुद्दा आता है, बस ऑफिसर तो, कोर्ट ने तो जजमेंट यही दे दी कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल हो गया, वो बच्चे कह रहे हमारा क्या होगा, बच्चे कह रहे अब पापा मम्मी अपना क्या, बैक डेट से कैंसिल करा रहे हो तो हम भी तो हैं, हमारे बारे में भी तो सोचो कुछ। कोर्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, कोर्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, ये सेक्शन 29 का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब मैं ड्रॉबैक बताता हूं कैसे है, आप समझना, बड़े ध्यान से समझा रहा हूं ये वाली स्टोरी, पहली बार समझा रहा हूं अपने कैंसिलेशन के चैप्टर में, क्योंकि प्रैक्टिकल मेरे साथ आया है अभी। होता क्या, जरा ध्यान से समझिएगा स्टोरी को, स्टोरी कुछ ऐसे है, एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन लिया 1 जुलाई 2017 से, एक स्टोरी को मैं कई एंगल से बताऊंगा, ठीक है ना, स्टोरी को समझना, 1 जुलाई 2017 से लिया, अच्छा खासा उसका जीवन व्यतीत हो रहा था, पूरी रिटर्न फाइल कर रहा है, सारा टाइम से टैक्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है ना, इस व्यक्ति से, इस व्यक्ति का नाम है रामलाल, रामलाल से कपिल जैन ने माल परचेज कर लिया, क्योंकि रामलाल एक अच्छा व्यक्ति है, उससे कपिल जैन ने परचेज कर लिया माल, कपिल जैन इससे परचेज कर रहा है 17 में 18 में, टैक्स की पेमेंट कर रहा है, सब कुछ करे जा रहा है, रामलाल अच्छा व्यक्ति है, लेकिन रामलाल के ना बीवी है ना बच्चे हैं, कुछ नहीं है, रामलाल एक अकेला व्यक्ति है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, सब चीज टाइम पे कर रहा है। हुआ क्या, 1 जुलाई 2021 में कोरोना की लहर आई और ये लहर में बह गए रामलाल। अब इस लहर में जब ये निकल लिए, अच्छे व्यक्ति थे, ना आगे ना पीछे कुछ, सारा काम खुद करते थे, अपनी रिटर्न फाइल खुद करते थे, सब कुछ खुद करते थे, ठीक है, सब बंद हो गया। अब यहां पर बैठा हुआ है जीएसटी ऑफिसर, कौन बैठा हुआ, जीएसटी ऑफिसर,
इन्होंने कहा रामलाल कहाँ हो तुम। रामलाल को बहुत नोटिस भेजे इन्होंने, उनके मोबाइल पे भेजा, फोन करा, रामलाल का कोई अता पता नहीं, रामलाल का कोई अता पता नहीं। ये रामलाल के घर पर गए, रामलाल के घर में दरवाजा बंद, क्योंकि उसका कोई आगे पीछे था ही नहीं। ऑफिसर को गुस्सा आया, उसने कहा मेरी बात नहीं सुनते, पिछले 6 महीनों से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, मुझे तो कुछ गोलमाल लग रहा है। राम ऑफिसर ने क्या करा, रामलाल का रजिस्ट्रेशन 1 जुलाई 2017 से कैंसिल कर दिया। कहां से कर दिया? क्या वो कर सकता है ऐसा? कर सकता है, उसके पास पावर है। अब रामलाल से मैंने परचेज करा कपिल जैन ने, मैं कह रहा हूं रामलाल तूने ये क्या किया, अब मेरा क्या होगा? क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन बैक डेट से कैंसिल होता है तो ये लिखा जाता है कि रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल विद इफेक्ट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2017। जब 1 जुलाई 2017 से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो रामलाल 1 जुलाई 2017 से क्या बन गया? अनरजिस्टर्ड। क्या बन गया? अनरजिस्टर्ड। अब डिपार्टमेंट ने जब इसे अनरजिस्टर्ड कर दिया तो रामलाल ने कहा जो मैंने रिटर्न फाइल करी है उसका क्या, जो मैंने तुम्हें टैक्स पे करा है उसका क्या? ये कौन पूछ रहा है? रामलाल की आत्मा, कि मैंने जो तुम्हें टैक्स दिया, जो मैंने तुम्हें रिटर्न दी, वो मुझे वापस दोगे क्या जब मैं अनरजिस्टर्ड हूं? तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, उसकी आत्मा को सपने में आई इस ऑफिसर के, वो आत्मा, उसने क्या बोला कि रामलाल तुम अनरजिस्टर्ड थे लेकिन क्या थे? टैक्सेबल पर्सन थे। क्या थे तुम? टैक्सेबल पर्सन। तो जो तुमने टैक्स दिया वो तो हमने ले लिया तुमसे एज ए टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने दूसरों से लेकर दिया। लेकिन जो तुमने बिल दिए हुए है, माल दिया हुआ है कपिल जैन को, अब इसका क्या होगा? क्योंकि तुम तो क्या थे? अनरजिस्टर्ड थे। कौन सी डेट से अनरजिस्टर्ड थे? 1 जुलाई 2017 से। और तुमने कपिल जैन को 17 में भी बिल दिया, 18 में भी, 19 में, और कपिल जैन को नोटिस आ गया। अब इसमें बताओ कपिल जैन की क्या गलती? तो इस पर कोर्ट लड़ाई कर रहे हैं, इसमें डिपार्टमेंट और कोर्ट में लड़ाई हो रही है। गवाही देने बार बार रामलाल की आत्मा आती है, कहती है मेरी क्या गलती? बोलो, क्या इस वाले केस में डिपार्टमेंट को बैकडेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा कर देता। इसमें कपिल जैन की कोई गलती नहीं है, कोर्ट में जाएगा जीत जाएगा, बोलो डिपार्टमेंट हार जाएगा। लेकिन जब तक कोर्ट सेटल्ड नहीं होते तब तक हमें इसे ऐसे ही पढ़ना है। जब भी तुम किसी से बिजनेस कर रहे हो, सुबह शाम भगवान को धूप बत्ती लगानी है और ये प्रार्थना करनी है जिससे मैंने माल परचेज करा वो ना मरे, क्योंकि अगर वो मर गया, उसका बैकडेट कैंसिल हो गया, उसका अगर बैकडेट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो तुम भी गए, क्योंकि वो क्या बन जाता है? बैकडेट से अनरजिस्टर्ड। हालांकि कोर्ट इनके फेवर में नहीं है, कोर्ट तो प्रैक्टिकल बात कर रहा है ना, कोर्ट तो ये सिंपल वाली बात कर रहा है। अब इसे ना तुम भावनाओं में बह गए, रामलाल को समझ गए ऐसे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और पिक्चर दिखा देता हूँ, ये बनाया क्यों गया था। लो ये लो, इसलिए बनाया गया था बैकडेट करने का कि एक मिस्टर नटवर लाल है, कौन है? नटवर लाल, नाम तो सुना होगा तुमने। नटवर लाल क्या करता है? एक फर्म बनाता है, ठीक है ना, ठीक है, एक फर्म बनाता है श्री 420 प्राइवेट लिमिटेड, श्री 420 प्राइवेट लिमिटेड नाम की फर्म बनाता है, और इस फर्म से 500 करोड़ की बिलिंग कर देता है। कितने की बिलिंग कर देता है? 500 करोड़ की बिलिंग कर देता है। और जब तक उसके जानकार है डिपार्टमेंट में तब तक उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता। 1 साल चलती है कहानी, 2 साल चलती है, ठीक है ना, 3 साल चलती है। 2022 में, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में एक इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्टर विजय। जब ये इंस्पेक्टर विजय आता है, ये नटवर लाल को पकड़ लेता है। नटवर लाल कहता है अब क्या करोगे तुम मेरा? वो कहता है मैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बैक डेट कैंसिल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? और जैसे ही मैं तुम्हारा बैक डेट कैंसिल कर दूंगा, तुमने जो 500 करोड़ के फेक बिलिंग दिए हैं, ठीक है ना, किसे किसे दिए? मान लो डैनी को तुमने सप्लाई करा था, अमरेश पुरी को सप्लाई करा है तुमने सारा माल, ये सारे के सारे जो होंगे इनका भी ITC क्या हो जाएगा? बेकार।
हम इनसे भी डिमांड निकाल लेंगे तो तुम ऐसा गेम ही प्ले नहीं कर पाओगे। इस वजह से बैक डेटेड कैंसिलेशन आएगा। लेकिन इसका यूज अगर यहां पर लगता है तो तुम्हें क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने सही किया, और यहां पर जब लगता है तो क्या लगता है, गलत किया। लेकिन सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर ऑफिसर को यह सलाह दी जाती है कि जब भी आप बैक डेटेड करो तो थोड़ा सोच समझ के करो। नटवर लाल के केस में तो करो, ठीक है, लेकिन रामलाल के केस में मत करो। एग्री कर दो जन, क्लियर हुई ये कहानी यहां पर? हाँ। तो कैंसिल क्या होता है? रजिस्ट्रेशन बैक डेट से भी हो सकता है, ठीक है। एक तीसरी चीज, क्या ऐसा जब तुम बात करते हो रजिस्ट्रेशन कैंसिल की तो इसे हम किससे कंपेयर कर रहे थे अभी? डायवोर्स से है? तो डायवोर्स अच्छा शब्द है बुरा बताओ, काय का बुरा? एक चीज बताओ, शादी हुई, शादी के 10 साल बाद या 5 साल बाद पति पत्नी को यह लगा कि तुम्हारा हमारा कुछ नहीं हो सकता आगे, ठीक है, गलत तार जुड़ गए, जैसे भी जुड़े, अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन दोनों तरक्की कर जाएंगे अगर हम दोनों अलग अलग हो जाए, ठीक है। किसी ने देखा है अनुपमा सीरियल? देखता अनुपमा, फिर कैसे समझोगे ये कंसेप्ट? मान लो ये अनुपमा सीरियल में, ठीक है, ये सोचते हैं कि अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों को अच्छा अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये कहानी हो रही है तो ये अपनी मर्जी से, कोई लड़ाई नहीं हुई इनके बीच में, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन बस ये कह रहे हैं कि बस अब शादी देख ली, तुमने भी देख ली, हमने भी देख ली, आप अलग अलग जीते। तो क्या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए? हाँ। तो क्या रजिस्ट्रेशन कभी ऐसा हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो कहे बस मन भर गया मेरा, बहुत हो गया जीएसटी, अब मुझे संन्यास लेना, मुझे जाना ही मान ले, अब मुझे छोड़ दो। तो बताओ डिपार्टमेंट छोड़ देगा उसे या नहीं? हाँ, बिजनेस बंद हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति ने, शादी नहीं हो रही थी सोनू की, ठीक है, या मान लो सोनू खुश नहीं था अपने जीवन से, पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने पूछा क्या दिक्कत है, कह रहा बस खुश नहीं हूं। तो हिंदुस्तान में ये प्रथा है, चलन है कि जो व्यक्ति खुश नहीं है उससे कह दो कि तू शादी कर ले, खुश हो जाए। अब क्या हुआ, ये सोनू ने शादी कर ली, पंडित जी से पूछा कि हाँ शादी कर ली, अब भी खुश नहीं हूं, कह रहा रुक जा 6 महीने लगते हैं, 3, अब 6 महीने हो गए तब भी ये खुश नहीं है, अब ये कह रहा है अब छोड़ दो मुझे, अब शादी नहीं करनी। तो बोलो क्या इसे आसानी से मिल जाएगा तलाक? हाँ, तो आसानी से इसे, यहाँ पर जीएसटी में लिखा हुआ है कि हमने सोचा था तुम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करके हमें पैसे ला कर दोगे, लेकिन अगर तुम्हारे को लगता है तुम्हारा बिजनेस ही नहीं चला, 6 महीने तक नहीं चला, पढ़ाया था मैंने एक सेक्शन, तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं। तो कैंसिलेशन की प्रथा क्या है? प्रथा ये है कि हम खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रॉपर ऑफिसर भी हमारा कैंसिल कर सकता है कि जाओ तुझे जरूरत नहीं। दूसरा सबसे बड़ा क्या है कि ये बैक डेट कैंसिल हो सकता है, कब? जब इसने कुछ सर्टेन रूल्स को नहीं माना, नटवर लाल जैसे केस में बैक डेट भी कैंसिल हो सकता है। तीसरा क्या है, अब सोनू ने शादी कर ली थी, 6 महीने तक खुश नहीं रहा, ठीक है, तो ना ये रिटर्न फाइल कर रहा था ना कुछ कर रहा था, तो खुश कैसे रहता? अब इसका कैंसिल भी हो गया रजिस्ट्रेशन, अब जैसे ये कैंसिल हो गया खुश हो गया, अब कुछ नहीं। कोर्ट ने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, हर महीने 20,000 रुपए कि 1 तारीख को दे देने। तो किस चीज की सजा मिली तुम्हें? इन्होंने सोचा था कि कुछ नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें कुछ फ्रॉड कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं, रिटर्न फाइल नहीं करते, और डिपार्टमेंट एक दिन उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है, वो कहते हैं कोई बात नहीं। लेकिन सेक्शन 29(3), 29(4), 29(5), 29(6), ये चार सेक्शंस, तीन चार सेक्शंस है, ये क्या कहेंगे कि ये मत सोचना
कि तुमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया तो अब हम तुम्हें छोड़ देंगे। जब तक तुम रजिस्ट्रेशन में थे तब तक तुम्हें जो भी तुम पे टैक्स निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, पेनल्टी निकलेगी, जो रिटर्न्स भरनी थी वो सब करना पड़ेगा। और ये हम बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं, कभी भी डिसाइड कर सकते हैं। समझ में आई कहानी? है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से क्या लायबिलिटी खत्म हो जाती है? बोलो नहीं। समझ में आई ये वाली कहानी? अब एक कहानी और सुनो। इनके बड़े अरमान थे, जब इनकी शादी हुई ये घर में नया फ्रिज लेकर आए, घर में नया टीवी लेकर आए, सोफा नया लेकर आए। अब डाइवोर्स हो रहा है, अब ये क्या कह रहे हैं कि डबल बेड का क्या करेंगे, सिंगल ही सही है। शादी हुई थी तो डबल बेड बनवाया था इन्होंने कि अब दो आदमी होंगे, अब ये कह रहे सिंगल ही बड़ा सा लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन लिया था, उसके अरमान थे, उसने मशीनरी लगाई थी, नहीं प्रिंटर लगाया था, लैपटॉप लेकर आया था, माल था, स्टॉक था, उन सब पर क्या लिया था? आईटीसी। क्या लिया था उन सब पर? इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था। अब ये इसे छोड़कर जा रहा है, रजिस्ट्रेशन को छोड़कर, तो जीएसटी वाले कहते हमें छोड़कर जा रहे हो? कह रहे हाँ। और ये जो तुमने आईटीसी लिया था इसका क्या होगा? क्या वापस करना पड़ेगा या नहीं? ये सारा क्या करना पड़ेगा? वापस। अब ये कह रहे हैं कि जब हमने रजिस्ट्रेशन लिया था, आईटीसी लिया था, अब आईटीसी खा गए। अभी बीच में पढ़ाऊंगा मैं जब कि कई बार एक व्यक्ति ने स्टॉक पे, टीवी पे, इस पे, उस पे आईटीसी ले लिया और वो उस आईटीसी को यूज कर लिया। क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब उनपे आईटीसी बचा ही नहीं है। उनपे क्या नहीं बचा? आईटीसी बचा ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो बताओ वो उन्हें आईटीसी अपनी जेब से देना पड़ेगा या नहीं? हाँ, ध्यान रखना, जब मैं आईटीसी का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें लिखा होगा जब भी आप कोई कैपिटल एसेट्स परचेज करते क्या करते हैं? कैपिटल एसेट्स क्या हो गया? मान लो मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी, तो आपको इस कैपिटल एसेट्स पे आईटीसी देंगे हम पूरा। लेकिन इस असेट्स को 5 सालों तक रखना। कितने सालों तक रखना है? 5। अगर 5 साल से पहले बेच दिया या रजिस्ट्रेशन से क्या होगा? डी रजिस्टर्ड हो गए। क्या हो गए तुम? डी रजिस्टर्ड हो गए, तो तुम्हें ये आईटीसी क्या करना पड़ेगा? वापिस। क्या करना पड़ेगा? वापिस। समझ आई कहानी? तो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसमें एक एग्जांपल और पढ़ा के फिर लिटरेचर पढ़ाता हूं तुम्हारे को पूरा टेक्स्ट। एक व्यक्ति था, जरा बताना, 1 करोड़ का माल परचेज करा था। कितने का? 1 करोड़ का माल परचेज करा था, उसमें से 90 लाख का माल बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 1 करोड़ में। कितने में बेच दिया? 1 करोड़ में। 1 करोड़ का माल परचेज करा, 90 लाख का माल 1 करोड़ में बेच दिया, तो 1 करोड़ पे आईटीसी लिया होगा जब माल परचेज करा। बोलो, जब 1 करोड़ का माल बेचा होगा टैक्स लायबल दिया होगा, आईटीसी यूज कर लिया, क्रेडिट लेजर में बैलेंस कितना है? नहीं, बैलेंस कितना बचा होगा? 0, क्योंकि 1 करोड़ का 18 लाख आईटीसी लिया और 1 करोड़ पे बेच दिया। क्रेडिट बैलेंस कितना है? 0। स्टॉक कितना है? 10 लाख। अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, डी रजिस्टर्ड हो रहा है, बोलो वापस करेगा 10 लाख का आईटीसी या नहीं? वापिस करेगा, है तो एनी उसके क्रेडिट लेजर में, कहां से करेगा? कैश लेजर से करेगा, लेकिन करना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल, 1 करोड़ का माल बेचा, सॉरी 1 करोड़ का माल खरीदा, सारे माल को बेच दिया 80 लाख में। कितने में बेच दिया? स्टॉक है ही नहीं, स्टॉक नील बटे सन्नाटा। 1 करोड़ में जब क्रेडिट लेजर में आए कितने रुपए? 18 लाख। 80 लाख का जब माल बेचा, 16,20,000 आईटीसी, क्रेडिट लेजर में कितने रुपए बचे हुए? रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, क्या होगा?
क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है 80 का, क्या होगा? क्या वापस मिलेगा उसे? क्यों? जब कम पड़े हुए थे तुमने नहीं ले लिए थे स्टॉक पे से? स्टॉक जीरो है लेकिन उसके क्रेडिट लेजर में तो है बैलेंस, क्या उसे वापस मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, तभी तभी केजे क्लासेज है तुम लोगों की सोच के हिसाब से। ये भावनाओं में बह गए कि ये कह रहे कि 1 करोड़ का माल खरीदा, बेचारे ने 80 लाख का बेच दिया। एक तो उसका वैसे ही नुकसान हो गया, 1 80 का ITC उसे दे दो वापस, रिफंड दे दो। गवर्नमेंट ने कहा पागल हो गया, तुझे GST में रजिस्ट्रेशन कराया, तुझसे सोचा कि तू पैसे ला कर देगा, तुझे दिए 1 करोड़, तुझे दिए 18 लाख, उल्टे हमें कितने दे रहा है? 16 20। 1 80 हमसे मांग रहा, भाग जा, चाटे लगेंगे। तो इस तरह के पैसे उसे वापिस नहीं मिलते। समझ आई कहानी? जब डिपार्टमेंट को अपना लेना होता तो ले लेता है, नहीं तो नहीं मिलते है। ये मैंने अब तुम्हें पूरा सेक्शन पढ़ा दिया, ठीक है? अब चले लिटरेचर पढ़ाओ। हाँ, ये तरीका सही रहता है मेरा कि पहले मैं तुम्हें सेक्शन ऐसे ही पढ़ा देता हूँ बातों बातों में, फिर तुम्हें लो पढ़ाता हूँ, या डायरेक्ट लो पढ़ाऊ? यही सही है, है ना? ये समझने के बाद लो में दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या होगा, जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा होगा तो डिपार्टमेंट तुम्हें पहले क्या कह देगा कि तुमने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दिया, ठीक है? या तो तुम एप्लीकेशन दोगे या डिपार्टमेंट तुम्हें नोटिस देगा। और जिस दिन तुम एप्लीकेशन दोगे या डिपार्टमेंट नोटिस देगा, लेकिन वो कह देगा आज से ही सस्पेंड। क्या हो गया? आज से ही क्या हो गया? सस्पेंड। अब सस्पेंड होने के फायदे होते हैं नुकसान? कह रहे फायदे। गवर्नमेंट ने मेरे को बोला, मैं गवर्नमेंट पोस्ट पे था, कपिल जैन तुम्हें आज से सस्पेंड किया जाता है। मैंने कहा बढ़िया, घर बैठूंगा, काम पे नहीं जाना पड़ेगा। तो सस्पेंड होने के फायदे भी और नुकसान भी, ठीक है? सस्पेंड होने के क्या है? कहते नहीं कि इस ऑफिसर ने ये करा, पुलिस ऑफिसर ने, कमिश्नर ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है, चीफ मिनिस्टर ने सस्पेंड कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता है, सस्पेंड करा है तो फायदा दिया है नुकसान दिया है, ठीक है? क्योंकि मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं देखा, वो कह रहा मैं तो सस्पेंड होकर घर बैठा हूं, जब एक बार जाऊंगा केस होगा, जीत जाऊंगा तो सारे पैसे और मिलेंगे। तो सस्पेंड होने के फायदे और नुकसान समझना। अब जैसे इन्होंने बोला कि जैसे ही किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता है, उसे कह दिया जाता है कि तुझे रिटर्न फाइल नहीं करनी। क्या नहीं करनी? रिटर्न फाइल नहीं करनी। लेकिन नुकसान सुनना इसका, हल्दीराम का रजिस्ट्रेशन था, किसका नाम का? हल्दीराम। हल्दीराम का रजिस्ट्रेशन है मान लो दिल्ली में, और डिपार्टमेंट ने एक दिन उसे कहा कि मुझे, हमें पता लगा है तुम अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे या फ्रॉड से रजिस्ट्रेशन लिया है, तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या करते हैं? सस्पेंड। अब जैसे इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ, अभी से फायदा है या नुकसान? क्यों नुकसान? क्यों रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ रही? जैसे ये सस्पेंड हो जाता है, अब मान लो एक ऐसे पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करा, ठीक है ना, जिसकी डेली की कमाई 1 लाख रुपए थी, कहां से, ठीक है? तो उसे तो नुकसान हुआ। अभी हल्दीराम को जब सस्पेंड करा तो यहां पर इसे क्या बोल दिया गया कि आज से तुम्हारा स्टेटस क्या हो गया, एक तरीके से अनरजिस्टर्ड। और जैसे ही तुम्हारा अनरजिस्टर्ड हो गया, कह रहा दुकान बंद कर दूं क्या? कह रहे नहीं, क्योंकि तुम अभी भी क्या हो? टैक्सेबल पर्सन। क्या हो तुम अभी भी? इसका मतलब हम तुमसे टैक्स लेंगे लेकिन तुम किसी और से टैक्स नहीं कलेक्ट। तो बताओ सस्पेंड का बहुत भारी नुकसान हो गया या नहीं हो गया? तो इसलिए जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाए, आपको तुरंत एक्शन लेना है और उसे बोलना है कि तब तक कोई बिलिंग विलिंग मत करियो, क्योंकि तुम बिलिंग कर ही नहीं सकते। तुम सामने वाले को बिल अगर देना चाहो तो दे दो, लेकिन तुम उससे क्या नहीं ले सकते? टैक्स। सर अच्छा
अगर आज हमने इसे सस्पेंड कर दिया, लेट सपोज 12 जून को, कहानी ध्यान से समझना, 12 जून को सस्पेंड कर दिया, फिर बाद में हमें पता लगा ये निर्दोष है और इसका रजिस्ट्रेशन पहले जैसा ही एक्टिव कर दो, फिर क्या होगा? तो भाई जब जिस दिन ये पीरियड में सस्पेंड रहा तब इसे दूसरे इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे, रिवाइज इनवॉइस क्या करने पड़ेंगे। तो सस्पेंशन का फायदा नुकसान बोलो, सिर्फ रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ती लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि अगर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड भी हो गया और तुम्हारे पास रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन आ रहा है तब भी रिटर्न फाइल करो, ठीक है। अभी लो पढ़ाऊंगा, अब लो में देखना क्या नुकसान होगा क्या नहीं। करें शुरू सेक्शन 29, बोलो जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पूरी तुम्हारे को इसकी हिस्ट्री पता लग गई, अब तुम जब इसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहे थे सर। 29.1 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 29.2 इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग 29.1 से ही करेंगे। हेडिंग क्या है? कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कहता था प्रॉपर ऑफिसर मे, यहां पर वर्ड क्या है? मे, सेल नहीं है, क्या है? मे, उसकी इच्छा है आइदर ऑन हिज आउन मोशन, आइदर ऑन हिज आउन मोशन, कि अपनी इच्छा से, जैसे मान लो सोनू की शादी हो गई थी, अब बार बार ये कोर्ट के सामने से जाता था तो इनका मुंह लटका हुआ रहता था कि बड़ा उदास है, बड़ा उदास है। तो एक दिन कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया कि यार ये इतना उदास क्यों है, भाई इसकी शादी हुई है इसलिए उदास है। तो कोर्ट ने कहा चल मैं तेरा आज से तेरी डाइवोर्स तेरा फाइल कर देता हूं। इसी तरीके से द प्रॉपर ऑफिसर में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन फाइल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, कि सोनू खुद कह रहा है कि नहीं नहीं बस बहुत हो गया जीएसटी, ठीक है, और बाय हिज लीगल हेयर। कई बार क्या होता है व्यक्ति परेशान हो जाता है, व्यक्ति निकल लिया, मान लो मेरे पे जीएसटी नंबर था रामलाल वाला केस, मैं निकल लिया, ठीक है, तो मेरे बेटे ने बोला पता नहीं पिताजी क्या करते रहते थे जीएसटी, अब इनका कैंसिल करो, क्या करो कैंसिल, क्योंकि अब वो तो रहे नहीं, रिटर्न कौन फाइल करेगा। तो तीन तरीके से होता है, या तो मैं खुद करूं, या डिपार्टमेंट करे, या मेरा लीगल हेयर करे। किस केस में लीगल हेयर? इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच पर्सन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन इन सच मैनर एंड विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेस। ये सर्कमस्टेंसेस हो गए तब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा कौन? डिपार्टमेंट खुद भी, तुम खुद एप्लीकेशन करोगे, या तुम्हारा लीगल है। पहला क्या सर्कमस्टेंसेस है? एज द बिजनेस हैज बीन डिसकंटिन्यूड, कि बिजनेस क्या हो गया? डिसकंटिन्यू है, अब हमें कोई बिजनेस नहीं करना, अब हम जा रहे हैं लंदन, ठीक है ना, तो हमने बिजनेस कैंसिल कर दिया। ट्रांसफर फुल्ली, या मैंने अपना बिजनेस क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया दूसरे को कि भाई अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं संन्यास ले रहा हूं, मैंने बिजनेस दे दिया। फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग डेथ ऑफ ए प्रोप्राइटर अमलगमेटेड विद अदर लीगल एंटिटी। कई बार क्या होता है दो एंटिटी बन जाती है, जैसे हीरो होंडा, दोनों ने कहा अब हम इकट्ठे काम करेंगे, हीरो होंडा बन गए, तो उन दोनों का एग्जिस्टेंस क्या हो गया? खत्म, तो वो कैंसिल करेंगे, है ना, ठीक है। डीमर्ज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, अगर हम बिजनेस बेच देते हैं डीमर्ज हो जाते हैं, जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है ना, हीरो होंडा, दोनों आपस में डीमर्ज हो गई, एक बन गई हीरो एक होंडा, तो दोनों ने अलग ले लिया रजिस्ट्रेशन, तो हीरो होंडा का कैंसिल, क्लियर है। देयर इज एनी चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, अभी पढ़कर आए थे कि जब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो गया, प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप हो गया, ठीक है ना, क्लियर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो रहा है तो पुराने वाले का क्या करेंगे। तीसरा क्या है? द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लायबल, भाई हमने तुम्हें लायबल करा था सेक्शन 22 से या 24 से, लेकिन अब हम लायबल है ही नहीं, हमारी कोरोना में सेल ही डाउन हो गई, ठीक है। और इंटेंडेड टू ऑप्ट आउट, एक व्यक्ति ने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया था, क्या लिया था याद है 25(3) में, खुद ही लिया था, मेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25। पहले ऐसा नहीं था,
पहले जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेता था उसे 6 महीने तक रखना पड़ता था, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है, अब वो कहता कि तूने गलती कर दी होगी, किसी बहकावे में आ गया होगा, किसी के रजिस्ट्रेशन ले लिया वॉलेंट्री, लेकिन फिर भी तू कैंसिल कर सकता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड मे बी सस्पेंडेड। जब तक तुम्हारा, तुमने फाइल करा, तुमने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुई, उस पीरियड में क्या होगा, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड माना जाएगा फॉर सच पीरियड एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। क्लियर है, कहानी समझ आ गई। तो 29(1) बहुत क्लियर है, खुद भी एप्लीकेशन कर सकते हो, तुम्हारा लीगल ईयर भी है, डिपार्टमेंट खुद भी। किन किन केसेस में बता दिया, तुमने अगर वॉलेंट्री भी ले लिया था रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, ठीक है, उसने क्या कराया था, वॉलेंट्री कराया था, अब शादी हो गई तो वो क्या कर रहा है, कैंसिल करा रहा, तो वो करा सकता है, ठीक है, क्लियर है या नहीं है, समझ आई या नहीं, हाँ कोई दिक्कत। सबसेक्शन 1 क्लियर है, सबसेक्शन 2 पे तुम्हारी अटेंशन चाहिए। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, कहता द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, यहां पर भी वर्ड क्या है, मे, उसकी इच्छा है, वो तुमसे गुस्सा नहीं करेगा, ठीक है, क्या गया, मे द प्रॉपर ऑफिसर मे कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम सच डेट। क्या कहता है, ये वाली बात ऊपर नहीं लिखी हुई थी, लेकिन सबसेक्शन 2 में लिखा क्या हुआ है, फ्रॉम सच डेट इंक्लूडिंग एनी रेट्रोस्पेक्टिव डेट, कि किसी बैक डेट, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है, बैक डेट से, एज ही मे डीम फिट, अगर उसे लगता है कि इसका रजिस्ट्रेशन जब से इसने लिया था तभी से कैंसिल होना चाहिए, तब से भी कर देगा। वेयर, अगर उसने ए बी सी डी ई ये 5 क्लोजों में वॉयलेशन करा, और मैंने तुम्हें बैक डेट के नुकसान बताया था या नहीं बताया, हाँ, बैक डेट का नुकसान क्या है, बच्चों का क्या होगा, समझ में आ रहा है, तो जिन्होंने आईटीसी लिया उनका क्या होगा, उनके बारे में सोचो, ठीक है। तो ये 5 ऐसे कारण है, ठीक है ना, जिसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। पहला कारण बहुत बढ़िया कारण है, ये कहता है ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज कंट्रावेंट सच प्रोविजन ऑफ द एक्ट और द रूल मेड देयर अंडर एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि हमने एक रूल ऐसा बनाया है, उस रूल के अंदर कुछ शर्तें लिखी है, क्या लिखी है, अगर उस शर्त में से एक भी शर्त तोड़ी, उस शर्त में से एक भी शर्त तोड़ी तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा मालिक तुमने सारी बातें रूल में क्या, ऐसा रूल क्यों बना, यही लिख देते सारी बातें। उन्होंने कहा नहीं, अगर हम ये सारी बातें यहां लिख देते, वो तो हमने लिखी है नीचे 4, लेकिन इससे हमारा मन नहीं भर रहा था तो हमने अलग से ही लिख दिया कि इस रूल में जो बातें लिखी है उसे तोड़ा तो कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों करा, अच्छा बताओ क्यों करा ऐसा, बोलो, हाँ? अब मान लो टैक्स पेयर को गुस्सा आ रहा है, टैक्स पेयर को गुस्सा आ रहा है, वो डेली उठता है सुबह शाम ट्वीट कर देता है निर्मला सीतारमन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठीक है ना। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री बड़ी परेशान है कि भाई हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा ये दे रहा है, अब उन्होंने कहा इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करो, क्या डिपार्टमेंट कर सकता है कैंसिल उसका रजिस्ट्रेशन, वो सिर्फ यही लगा रहा है नारे नहीं कर सकता। अच्छा अगर रूल में लिखा हो, इन्होंने एक रूल लिख दिया, उस रूल में लिखा हुआ है कि अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को गाली दी तो हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, तो कर सकता है, हाँ। तो अब बार बार फाइनेंस मिनिस्ट्री को गाली दे रहे थे तो निर्मला सीतारमन जी का मूड खराब हो, उन्होंने कहा रूल चेंज कर दो, रूल में लिख दो कि जिसने भी मुझे ट्वीट करके बोला फाइनेंस मिनिस्टर को, बार बार ये लोग ताई ताई बोलते रहते हैं, इन्होंने लिखवा दिया रूल में कि अगर किसी ने मुझे ताई बोला उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, तो बताओ रूल तो चेंज हो सकता है ना,
तो इन्होंने क्या कहा, एक्ट में नहीं लिख रही है बात, किस में नहीं लिख रहे, क्योंकि बाद में अगर तुमने कुछ करा तो एक्ट तो कहां से बनता है, पार्लियामेंट से। तो इन्होंने रूल में ऐसी छोटी छोटी बातें भी लिखवा दी। पढ़ाऊ वो वाला रूल जिसमें लिखा हुआ है? हाँ पढ़ ले पहले वही रूल पढ़ ले। चलो अब हम वो रूल पढ़ रहे हैं जो रूल तुमने नहीं माना। अच्छा जब मैं जीएसटी नया नया पढ़ाता था, पता मैं कितनी गलती करता था, मैं उन सबसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ जो सबसे शुरू में मेरे से पढ़े थे। मैं इस क्लोज को पढ़ाता था कि अगर तुमने जीएसटी का कोई भी रूल तोड़ा तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद में मैंने कहा यार ऐसा हो सकता है क्या कि एक रूल कुछ भी तोड़ दे और बैक डेट से कैंसिल हो जाए। फिर मेरे गुरुजी ने बताया बुद्धू इसका मतलब ये नहीं है, इन्होंने एक रूल बना रखा है। क्या बना रखा है? और उस रूल में चीजें लिखी हुई है, अगर उस रूल को तोड़ा। किसे? यहां पे सारे रूल की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? स्पेशल रूल है, पढ़े वो वाला रूल। चलो पहले वो वाला रूल पढ़ लेते तुम्हें मजा आएगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि गलतियां हो जाती हैं। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं हो सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं यार, ठीक है, 1% कुछ गलत हो तो कभी फ्यूचर में सुधार देंगे, इसलिए तो हम अमेंडमेंट देते रहते हैं तुम्हें, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते रूल 21। क्या पढ़ते हैं? रूल 21। रूल 21 क्या कहता है? रजिस्ट्रेशन टू बी कैंसिल्ड इन सर्टेन केसेस। तो मतलब कि अगर इसमें से कुछ भी तुमने करा तो यहां पर हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो क्या कहता है रूल 21? रूल 21 पढ़ो, कहता था रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू ए पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल इफ द सैड पर्सन, ठीक है। तो इस रूल का वायोलेशन मत करना। कहता है डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। कि भाई क्या कहा इसने कि जो तुमने डिक्लेयर करा था बिजनेस, अभी इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन में एड्रेस डाला, उस एड्रेस में डाला नियर कब्रिस्तान, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के मन एक दिन खाली बैठे थे, उन्होंने कहा चलो एक बार विजिट करके आते। अब जब गए ये नियर कब्रिस्तान, वहां पे कुछ था ही नहीं, वहां पर पे तो सारी कब्रें ही कब्रें थी। अभी उससे पूछा हाँ भाई कोई रजिस्टर्ड पर्सन है क्या, वहां से कोई आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा और वहां से सेल बिल कटे हुए 500 करोड़ के, कितने के? 500 करोड़ के, और बिजनेस खुला सपाट। ओ भाई कर क्या रहे हो तुम, तुम्हारे एड्रेस के आसपास ही कुछ नहीं है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल होगा? बैक डेट से। जो बोकस बिलिंग वाले काम करते हैं उनका एड्रेस देखा करो, झूमरी तलैया, ठीक है ना, काले तालाब के पीछे। अरे जीएसटी ऑफिसर ढूंढ ढूंढ के परेशान, ठीक है ना भाई साहब, ऐसे नहीं। तो इन्होंने क्या बोला, हम तुम्हारे यहां जाएंगे और अगर तुम हमें नहीं मिले और हमने पाया कि जो तुमने बिजनेस दे रखा है वहां से कोई बिजनेस हो ही नहीं रहा, तो हमारे दिमाग में सीधा नटवर लाल की फिगर आएगी। किसकी आएगी? नटवर लाल आएगा, और हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल नहीं, बैक डेट से कैंसिल का, समझ रहे हो ना अंजाम। उन्होंने कहा चलो, तो जो भी तुमने प्लेस ऑफ बिजनेस है तुम्हारा, चाहे तुमने अपने चाचा का पता दे रखा हो, चाहे ताऊ का, चाहे मामा का, फूफा का, उनसे कह देना ज्यादा घूमने फिरने मत जाया करो, घर पे हमेशा अवेलेबल रहना, समझ भाई। अब ऐसा नहीं है कि तुम चलो रजिस्ट्रेशन के चक्कर में कहीं घूमने ही नहीं जा रहे कि पता चले जीएसटी ऑफिसर आ जाए और हम मिले ना और ये डिक्लेयर, ऐसा नहीं होता। वो आस पड़ोस में पूछते भी, नेम प्लेट भी देखते हैं, सब चीज। इसलिए तो कोशिश ये करो जहां पर तुम्हारा रजिस्टर्ड प्लेस है वो ओपन रहे, वहां पर नेम प्लेट वेम प्लेट कुछ हो, समझ में आई या नहीं? हाँ वो तुम्हें फोन करके नहीं आएंगे, ठीक है, क्लियर है। हालांकि कई स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फोन करके आना बोलते हैं, लेकिन नहीं। दूसरा क्या है? कहता है इशू इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। क्या कह रहा है? उसने कहा बिल इशू कर दिए, क्या करे, बिल इशू कर दे और गुड्स और सर्विस दिन। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगला बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, ना कोई गुड्स देता ना कोई सर्विस देता और फिर भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है बिल इशू करके, 1000 करोड़ के बिल इशू करे,
और गवर्नमेंट को कितना टैक्स दे दिया, 180 करोड़। मैंने कैसे, तो तुम्हें पूछना चाहिए तुम इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों कर रहे हो। कह रहा भाई साहब इसे बोला जाता बोकस बिलिंग। क्या बोला जाता है? जब ना ये गुड्स दे रहा ना सर्विस दे रहा, क्या कर रहा है ये? बोकस बिलिंग। क्या कर रहा है? सामने वाले को ITC पास ऑन कर रहा है। तो अगर इसने ऐसा करा तो हम इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। कब से? क्योंकि क्या इंप्रेशन आ रहा माइंड में? नटवर लाल वाला। तीसरा, वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 171। कौन सा सेक्शन वॉयलेट कर दिया? 171 एक सेक्शन है, वो सेक्शन है एंटी प्रॉफिटिंग का। किसका जी? ठीक है, ये एंटी प्रॉफिटिंग क्या है 2 मिनट में बता देता हूं आपको ना। हालांकि इस पे आधा एक घंटा लगाएंगे अगर कभी पढ़ाया तो हमने, लेकिन क्या पता ना पढ़ाए आगे भूल जाए, तो अभी सुन लो एंटी प्रॉफिटिंग होता है। एंटी प्रॉफिटिंग क्या होता है कि GST से पहले क्या था? वैट। वैट था, सर्विस टैक्स था। तो गवर्नमेंट ने जब GST का प्रचार करा, तो गवर्नमेंट ने GST का प्रचार करते समय क्या बात बोली? गवर्नमेंट ने यह बात बोली थी कि GST आएगा तो तुम्हें फायदा होगा, बिजनेसमैन को फायदा होगा, कस्टमर को फायदा होगा, चीजें सस्ती होंगी। क्या होगी? चीजें सस्ती हो जाएंगी। चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती। अब चीजें सस्ती कैसे होंगी ये चीज समझना, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं। जब GST नहीं था, हम वैट लगाते थे और सर्विस टैक्स लगाते थे, चीजों को समझना। हमारी कोचिंग फीस पे क्या लगता था? सर्विस टैक्स। क्या लगता था? सर्विस टैक्स। तो जब हम सर्विस टैक्स लगाते थे तो उसमें भी यही सिस्टम होता, जो जो सर्विस लिया उसका ITC मिल जाएगा और जो सर्विस टैक्स लगाना है। लेकिन उस टाइम पर ना अगर हम कोई गुड्स खरीदते थे, जैसे हमने कैमरा खरीदा, ठीक है, हमने लैपटॉप खरीदा, उस पर क्या लग के आता था? वैट, एक्साइज, उसका ITC नहीं मिलता था। तो अगर ITC नहीं मिलता था तो क्या हमारी कॉस्टिंग ज्यादा नहीं आती होगी? डबल टैक्सेशन लग जाए कॉस्टिंग। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई जब GST लगा रहे हम तो तुम ना 2 कॉस्ट शीट बनाओ। क्या बनाओ? 2 कॉस्ट शीट, एक तो वैट वाली बनाओ और एक किसकी बनाओ? GST की। तो वैट में अगर तुम्हारी कॉस्टिंग आती थी 100 रुपये और तुम 10% प्रॉफिट रखते थे अपना, ठीक है, 10 रुपये तो कितने में बेचते थे? 110 रुपये में। अब तुम्हारा जो GST में आ रहा है, जैसे ही GST लगा तो तुम्हारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है? 80 रुपये। कितनी आ रही है? तो कंपनी क्या करती है, 80 रुपये कॉस्टिंग आती है, प्रॉफिट रखती है 30 रुपये और सामने वाले कस्टमर को कितना देती है? 110। नहीं तो क्या करती है, प्रॉफिट रखती है 40 रुपये और सामने वाले को कस्टमर को कितने का देती है? 120 रुपये। और कोई पूछता है भाई इतना महंगा क्यों? पता नहीं, GST है। GST से पहले सब चीजें सस्ती थी, अब क्या है? तो गवर्नमेंट को क्या करने की साजिश करी है तुमने? यहाँ पे महंगाई बढ़ा दी, बदनाम कर दिया। किसे बदनाम कर दिया? गवर्नमेंट को नहीं, किसे? GST को। किसे? GST। तो यहां पर GST ने अपने लिए एक सेक्शन लिखा, सेक्शन 171। क्या लिखा? और GST ने क्या बोला कि अगर मेरे आने से तुम्हें फायदा हुआ है बिजनेसमैन, अगर मेरे आने से तुम्हें फायदा हुआ है तो वो तुम्हारा फायदा नहीं है। किसका फायदा है? गवर्नमेंट का। तो तुम ये फायदा किसे पास ऑन करो? कस्टमर को। किसे करो? कस्टमर को, जिससे कि हमारी एक पॉजिटिव इमेज जाए। तो तुम्हारे को 80 रुपये का प्रोडक्ट आ रहा था तो 10% प्रॉफिट पहले भी लेते थे, अब भी लो, कितने रुपए में बेचो? 88 रुपये में। तो कस्टमर को क्या लगेगा? GST आने से तो जिंदगी बदल गई। मोदी जी ने वादा करा था अच्छे दिनों का, आ गए अच्छे दिन। लेकिन कंपनी के नहीं, मैं तो नहीं मानती। तो GST ने अपने लिए सेक्शन लिख दिया लोगों ने कि अगर किसी कंपनी ने ऐसा करा, ऐसे करने की गुस्ताखी करी, तो हमारी टीम उसके यहां पर जाएगी, चेक करेगी, और अगर वो निर्दोष पाया गया तो उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल होगा? बैक डेट से। कैसे? कैसे? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? सबका वॉयलेशन कर देना, एंटी प्रॉफिटिंग का नहीं। किसका? समझ में आया सेक्शन 171? समझ में आया एंटी प्रॉफिटिंग? क्या होता है एंटी प्रॉफिटिंग? ठीक है, किसी दूसरे के मजे तुम मत लो। क्लियर है? बोलो। हाँ, चलो, बस इतना ही समझना है तुम्हें एंटी
मीटिंग में कि कल को कोई इंटरव्यू में पूछ ले तो ये जवाब उसे दे दो समझ के, ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अगला क्या है, वॉयलेट द प्रोविजन ऑफ रूल 10A। अब ये छोटी छोटी बात लिखने लग गए, कल को क्या लिखेंगे यहां पे, अगर निर्मला सीतारमन जी के खिलाफ नारे लगाए, ये छोटी बात लिख दी, ये भी पढ़ा दो रूल 10A। फिर एंटी प्रॉफिटिंग पढ़ा दिया मैंने, एक क्या कह रहा, रूल 10A का वॉयलेशन करा, किसका वॉयलेशन करा, रूल 10A। वैसे पढ़ा दूंगा मैं रूल 10A, फिर भी पढ़ लो क्या है छोटा सा। इन्होंने क्या लिखा है, जहां तक मेरा मानना है रूल 10A वही होगा। इन्होंने क्या लिखा है, जब भी तुम GST में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तुम्हें पैन नंबर अपडेट करना है, क्या नाम वो, सॉरी पैन नंबर पे तो मिलता ही है, आधार नहीं, बैंक अकाउंट क्या अपडेट करना है, बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर एक बार देख लो, रूल 10A भी दिखा देता हूं मैं तुम्हारे को। फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल, ये कहता है कि जैसे तुम रजिस्ट्रेशन लेते हो तो आपको क्या फर्निश करना है डिपार्टमेंट को, बैंक अकाउंट। अगर आपने बैंक अकाउंट सबमिट नहीं करा, क्या नहीं करा, अगर बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट नहीं करी तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, कैसे, बैंक डेट से। क्या ये वाली बात डालनी चाहिए थी इसमें, इतनी छोटी सी बात के लिए बैंक डेट से कैंसिल कर दूंगा, अरे बैंक अकाउंट ही तो है, भूल गया बंदा नहीं करा अपडेट, तो बैंक डेट से कर दोगे, कह रहे हाँ कर देंगे, ठीक है। तो इस सेक्शन, इस रूल का क्या बना दिया इन्होंने, मजाक, ठीक है, समझ आया। पढ़ाऊंगे पूरा पढ़ाऊंगे रूल 10A, ठीक है, अभी इतना ही, ठीक है, जब रूल पे पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है, समझ आया। दोबारा चले, कौन सा रूल चल रहा था हमारा, रूल 21, ठीक है। अब अगला क्या बोला इन्होंने, इन्होंने कहा कि जैसे महाभारत में, अरे महाभारत नहीं यार, रामायण, ठीक है ना, ठीक है, जैसे महाभारत में द्रौपदी थी, रामायण में सीता थी, एक पवित्र, ठीक है ना, एक पवित्र, इसी तरीके से GST में है ITC, क्या है GST में, अगर इनके ऊपर कोई आंच आई, जैसे द्रौपदी का अपमान करा था तो क्या हुआ था, महाभारत, सीता का अपहरण क्या कर रहा था तो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, लंका जल गई थी, इसी तरीके से अगर हमारी सीता मैया, ठीक है ना, और हमारी द्रौपदी को कुछ तुमने बोला, ठीक है, किसका, किसे बोल रहे हैं ये, GST में कौन है, ITC को, तो ऐसा इंतजाम करेंगे, तुम्हारा बैक डेट कैंसिल कर देंगे। तो क्या लिखा है, अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या करा जी तुमने, अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16, कि अगर तुमने ITC गड़बड़ करा, सेक्शन 16 के वायलेशन के से अलग तुमने अगर ITC लिया तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल, कैसे कर देंगे, बैक डेट से, क्योंकि ITC हमारी नजर में कैसे है, पवित्र है। GST डिपार्टमेंट में जाके देखना, ITC की पूजा करते हैं वो लोग, ठीक है, देखा तुमने कभी GST डिपार्टमेंट में जाके, उनके मंदिर में देखना, वहां पे लिखा रहता ITC पूजा, पवित्र वस्तु है, क्या है, पवित्र, ठीक है। तो कह रहे इसका वॉयलेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे, समझ में आई या नहीं, क्लियर है। तो पूरे GST की थीम है ITC, ठीक है ना, महाभारत हो जाती है इसमें, ठीक है। अब अगली फिर छोटी बात लिख दी, अगली छोटी बात क्या है, जब तुम रिटर्न्स पढ़ोगे तब तुम्हें समझ आएगी, लेकिन फिर भी रूल कंप्लीट कराना है तो मैं तुम्हें एक बार करा दूं, है ना। तो जब मैं रिटर्न सबमिट करोगे, जब पढ़ोगे तो रिटर्न में मैं तुम्हें दो रिटर्न में बताऊंगा, ठीक है ना, एक रिटर्न होगी, हालांकि रिटर्न में क्लियर हो जाएगा ये, फिर भी अभी समझ लो, एक रिटर्न होगी GSTR 1, क्या होगी, GSTR 1, ठीक है, इसे बोलते हैं हम टाइम पास, क्या बोलेंगे, टाइम पास है, ठीक है ना, आम जिंदगी है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब भी GSTR 1 भरते हो तुम तो उसमें क्या होता है, सारी सेल्स की डिटेल डालते हो, क्या डालते हो, सारी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालते हो,
और वो आउटवर्ड सप्लाई से सामने वाले के जिस जिसको सेल करा सब डालोगे, तो जिस जिसने परचेज करा उसे दिख जाएगा, ठीक है, उसे दिख जाता है उसके 2A 2B में, किसमें दिख जाता है 2A 2B में, और वो उसके बेस पर क्या ले लेता है ITC। तो एक रिटर्न तो ये भरती है, भरना होता है सप्लायर को, एक रिटर्न कौन सप्लायर भरता है 3B, क्या भरता है 3B। गवर्नमेंट कहती है ये बढ़िया है, 3B भर के क्या करता है वो व्यक्ति, वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, क्या देता है टैक्स देता है, क्या देता है गवर्नमेंट को टैक्स। तो 1 भरकर क्या देता है सामने वाले को ITC, और 3 भरकर क्या दे देता है गवर्नमेंट को टैक्स। तो गवर्नमेंट को किससे मजा आता है 3B से। अब ये बताओ गवर्नमेंट कब खुश होगी, अगर 3B में 10 करोड़ रुपए आ रहे हैं और 1 में आ रहे हैं 8 करोड़, बोलो गवर्नमेंट खुश या दुखी? खुश। और अगर 3B में आ रहे हैं 10 करोड़ और 1 में आ रहे 80 करोड़, गवर्नमेंट क्या कह रही है, हमें कितने दिए 10 करोड़, और ITC कितने का बांट दिया, कह रहे नहीं भाई नहीं, रजिस्ट्रेशन क्या होगा, और वो भी कैसे, क्यों कर रहे हैं बैकडेट से कैंसिल, नहीं नहीं जैसे ही बैकडेट से कैंसिल करा तो इन्होंने जितने मजे लिए इन बच्चों का क्या होगा क्योंकि ये बैक डेट से करेंगे और ये सारा ITC बेकार हो जाएगा, फुस हो जाएगा इनका सारा ITC। जिस भी व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन दिया, बिलिंग दी, जिसने भी, उसका अगर बैक डेट से कैंसिल कर दो सारा ITC क्या, फुस। नटवर लाल वाली इमेज, रामलाल वाली नहीं जो वो कोरोना से मर गया, उसमें तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट चाहेगी तो लो लाएगी, क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, हाईकोर्ट किसके फेवर में डिसीजन दे रहे हैं, असैसी में, ठीक है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा है सर ये नटवर लाल है, और हाईकोर्ट क्या कह रहा है ये नटवर लाल लाल नहीं है ये रामलाल है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही। तो ऐसे ही तरह पे जब लो गलत होता है तो नया लो आता है, ठीक है, समझ आ गया या नहीं। तो इन्होंने क्या लिखा, अब पढ़ो, अब तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे ये तुमने खुद ही लिखा हो। लो कहता है फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1 अंडर सेक्शन 37(4)(1) और मोर टैक्स पीरियड 1 महीने या उससे ज्यादा में, विच इज इन द एक्सेस ऑफ, क्या है जी, जो क्या है ज्यादा है, किससे ज्यादा है, आउटवर्ड सप्लाई डिक्लेयर्ड बाय हिम इन वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन 39। 3B से ज्यादा दिखा दिया किसमें, GSTR 1 में, तो हम तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे बैक डेट से कैंसिल। चलो कर देना चाहिए था कैंसिल, बैक डेट नहीं लिखना चाहिए था, पर फिर भी इन्होंने लिख दिया, क्योंकि इनकी पिक्चर क्या है नटवर लाल, क्या है ये, क्या कह रहे हैं कि ये सर 3B में देगा 10 करोड़ और GSTR 1 में दिखाएगा 1000 करोड़, क्योंकि ये कौन है नटवर लाल, समझ आई कहानी यानी, तो इसलिए हम इसका बैक डेट से कैंसिल। जब तुम GST में बड़े हो जाओगे, अच्छे से GST समझने लगोगे, तब मैं तुम्हें एक रूल पढ़ाऊंगा, रूल 86B, कौन सा पढ़ाऊंगा, रूल 86B। इस रूल में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने, जरा समझना, एक व्यक्ति गवर्नमेंट के मजे ले रहा है, कैसे मजे ले रहा है पता है, 500 करोड़ का माल परचेज करता है, कितने पर करोड़ का, 500 करोड़ का माल परचेज करा और 500 करोड़ का बेच दिया, फिर 1000 करोड़ का परचेज करा, फिर 1000 करोड़ का बेच दिया, क्या ये गवर्नमेंट को कोई टैक्स दे रहा है, ITC लेता है यहां से और यहां से टैक्स पे कर देता है, ITC लेता है टैक्स पे कर देता है, ITC लेता है टैक्स पे कर देता है, क्या गवर्नमेंट को कोई फूटी चवन्नी मिल रही है, नहीं मिल रही, गवर्नमेंट ने कहा ये बड़ा कमाल है, 1000 करोड़ की टर्नओवर है और टैक्स 1 रुपया भी नहीं। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया 86B, क्या बनाया रूल, ये रूल मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, जब डिटेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो रूल 86B में क्या बताया गवर्नमेंट ने, रूल 86B में क्या लिखा कि अगर तुम्हारी टर्नओवर कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो तुम क्या करना, जितनी भी तुम्हारी लायबिलिटी बनेगी उसमें से 99%, कितने परसेंट जी, 99% तो क्रेडिट लेजर से पे कर देना और 1% किससे पे करना, कैश लेजर से। क्या बोला गवर्नमेंट ने, एक नया रूल बनाया 86B
जिसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 99% किससे पे करना है, क्रेडिट। कुछ लोगों को जिन्हें वो लग रहे थे कि नटवर लाल जैसे, उन्हें क्या बोला कि चल तू नटवर लाल ही सही, लेकिन जितनी भी लायबिलिटी होगी 99% किससे जमा करेगा और 1% किससे करेगा, और अगर तूने ऐसा नहीं करा तो रजिस्ट्रेशन बैकडेट से। ठीक है, तो मैं अभी आपको पूरा रूल 86 भी पढ़ाएंगे तो आधा घंटा लगाते हैं हम वहां पर, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ में आ गया, तो अब आपको समझ में आया? हाँ पंडित जी दोबारा बता रहे हैं कि ये शादी कर लिया, ये कर्म मत करना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन ये कोई गलती मत करना, नहीं तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या होगा, बैक डेट से कैंसिल। और अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई, ये कह रहे अभी तो देखो ए लिखा बी सी डी ई एफ, जब मैं शुरू में जीएसटी पढ़ाता तो तब ये था ही नहीं बेचारा, तब ये रूल बहुत ही कम था। ये देख लो ना, हर किसी के बाद अमेंडमेंट, सिर्फ इसमें ए क्लोज थी सी क्लोज थी, ये सारी ए क्लोजे कब आई हुई है, बात की है, समझ आ रहे हो बात। कल को इसमें एफ क्लोज में क्या लिखा हुआ आएगा बताओ, एफ नहीं जी एच में, एच क्लोज में क्या लिखा हुआ है? अगर तुमने निर्मला सीतारमन जी को ताई बोला तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, तो ऐसा लिख सकते हैं गवर्नमेंट या नहीं, क्योंकि ये रूल है ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट का हथियार है, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने सारी बातें किसमें नहीं लिखी, सेक्शन में, क्योंकि सेक्शन में कितनी लिख सकती थी गवर्नमेंट को उस टाइम पर जितनी ध्यान थी वो सारी सेक्शन में लिख दी, और बाकी किसमें लिख दी, रूल में, समझ आ रहे। तो अब सेक्शन की पढ़ ले जो परमानेंट लिखी हुई है बातें, तो सेक्शन में पहले तो एक बात लिखी थी, क्या लिखी थी कि अगर रूल का वॉयलेशन करा, किसका रूल का, कौन सा रूल का, रूल 21, किसका रूल 21 में जो बातें। अब ये नहीं कि अगर उसने कोई और भी वॉयलेशन करा रूल तो कैंसिल कर देंगे बैक डेट से, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने कम से कम एक दो साल तो पढ़ाया होगा, ठीक है, जब मैं रूल नहीं पढ़ाता था, ठीक है। लेकिन अब मैं ठीक है ना, सही कर रहा हूँ अपने आप को धीरे धीरे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये गलती हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। अब पढ़े सेक्शन 29(2) को, एक व्यक्ति है, मैंने तुम्हें बताया था जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेता है तो हम उससे पूछते हैं कैसे टैक्स देगा, वो कहता दो तरीके थे, एक तो सेक्शन 9 और एक होता है सेक्शन 10 कंपोजिशन। क्या होता है, कंपोजिशन। तो बेटा जो कंपोजिशन वाला होता है थोड़ा सा उसके बारे में समझ लो, हालांकि पूरा चैप्टर 3 घंटे लगाएंगे हम उस पे। जो कंपोजिशन वाला होता है उसके एक अलग ही तरह के मजे आते हैं, अलग तरह के क्या मजे आते हैं कंपोजिशन वाले के, उसे ये फायदा मिलता है कि तुझे ना साल में एक बार रिटर्न फाइल करनी है। कितने साल में, कितनी बार रिटर्न फाइल करनी होती है, एक बार, समझ में आया कंपोजिशन वाले को। पहले ये साल में कितनी बार भरता था, 4 बार, कितनी बार भरता था, और अब क्या बोल दिया कि साल में कितनी बार भरनी है, एक बार। जो नॉर्मल वाले होते हैं उन्हें 2 तरीके से बांटा गया है कि या तो तुम मंथली भर लो या क्वार्टरली भर लो। तो इसी तरीके से जब लो बन रहा था जीएसटी का, तो उन्होंने बोला देखो अब तुम जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए हो, अब तुम अकेले सिंगल नहीं रहे, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या करना है कि हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल, या साल में 4 बार तुम्हें रिटर्न फाइल करनी है। उसने कहा सर नहीं रही याद, क्या करूंगा, नहीं रही रिटर्न फाइल करनी, तो कोई बात नहीं, एक महीने नहीं रही अगले महीने भर देना, कोई बात नहीं लेट भर देना। वो कह रहा 6 महीने तक नहीं भरी रिटर्न मैंने, कह रहा 6 महीने तक नहीं भरी तो क्या होगा, क्या होगा, कैसे बैक डेट, ठीक है। मुझे याद है जब पंडित जी मेरी शादी में वचन कह रहे थे, वो कह रहे थे कपिल जैन ये वादा करो, एक वचन दिया जाता है तुम हर महीने अपनी वाइफ को शॉपिंग कराओगी। मैंने कहा कबूल है, उन्होंने कहा ठीक। अब मैंने 1 महीने नहीं करी, कराई शॉपिंग, 2 नहीं कराई, 3 नहीं कराई, 4 नहीं कराई, बीवी है ना, कब तक वो कह रही तुमने वचन लिया था मेरे से अगर 6 महीने तक नहीं कराऊंगा तो क्या होगा फिर, बैक डेट से कैंसिल।
ठीक है। तो ये बात इन्होंने इसमें लिखी है, किसमें लिखी है इसमें, ठीक है। कहता है ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 10 में टैक्स दे रहा, मतलब कंपोजिशन वाला व्यक्ति है, हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर, पहले यहां पर क्या था क्वार्टर था, बाद में चेंज हो गया, ये कहा कि अगर तुम्हारी जो रिटर्न है साल की, तुम्हारी ये साल की जो रिटर्न है 30 अप्रैल को भरनी होती है, कितने तारीख तक भरनी होती है, साल खत्म हुआ तो 30 अप्रैल को। कहता है जब भी इसकी ड्यू डेट है, फिलहाल इसकी डेट क्या है 30 अप्रैल, अगर तुम इसे लेट फाइल करते हो तो कितना लेट करना, 3 महीने तक लेट, कितना महीने तक लेट, अगर 3 महीने के बाद लेट करा तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, कैंसिल नहीं, बैग डेट से कैंसिल, समझ आई या नहीं। तो अगर तुमने अपनी बीवी को कोई वादा कराया तो कितने महीने तक डिले मान सकती है वो, 3 महीने तक, ठीक है ना। ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, क्लियर है। अब कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ये कहेंगे कि सर ये वाले प्रोविजन अभी एप्लीकेबल नहीं हुए हैं, इसमें से जो कुछ प्रोविजन है वो कब से आए, बजट 2022 से, कब से आए 2022 से, लेकिन मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ वो इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि ये प्रोविजन एप्लीकेबल हो गए। तो अगर कोई एप्लीकेबल नहीं हुए तो उनका वेट कर लेना, किसी से सिर मत फोड़ लेना जाकर कि नहीं नहीं सर ने तो ये पढ़ाया है, क्योंकि ये वाले प्रोविजन जो है ये कब से बजट को, इसमें से कुछ प्रोविजन बजट 2022 के हैं, कब से, एक्ट 2022 के, एक्ट आ चुका है, एक्ट पास हो चुका है, लेकिन वो अभी क्या नहीं हुआ, नोटिफाइड नहीं हुआ। तो वो क्या पता आज मैं वीडियो बनाकर तुम्हें भेज दूं कल को वो नोटिफाइड हो जाए, तो फिर मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा ना, इसलिए मैं ये पढ़ा के चल रहा हूं, ठीक है। पुराना भी पढ़ना है क्या, पुराना पढ़ के करोगे क्या, पुराने में वैसे बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ था कि क्या कहते हैं, अगर तुमने इसकी रिटर्न पहले क्वार्टरली हुआ करती थी ना, ठीक है ना, तो क्वार्टरली में लिखा हुआ था कि अगर तुमने 3 रिटर्न फाइल नहीं करी तो अब क्वार्टरली है ही नहीं रिटर्न, तो मैं उसे पढ़ाकर कोई सेंस नहीं बनना मेरा, इसलिए मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं, लेटेस्ट क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं ये नहीं कि अब मैं एक एक बताऊंगा कि नोटिफाइड हो गया नहीं हुआ, उस चीज को छोड़ देना, ठीक है, समझ आई मेरी बात या नहीं, इतना तो काम कर लोगे ना। अगला अगला क्या कहता है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इस पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लोज बी, क्लोज बी को छोड़कर जो और कोई व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति कौन रह गया भाई, और कोई व्यक्ति कौन रह गया, नॉर्मल वाला, ये वाला रह गया ना जो मंथली कर रहा और जो क्वार्टरली, पहले यहां लिखा हुआ था कि अगर 6 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करी, अब इन्होंने क्या कहा है, अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं करी कितने महीनों तक, कह रहे ये नहीं बता रहे, ये बात कहां पे लिखेंगे हम, रूल में, कहां लिखेंगे, रूल में, क्लियर है। सच कंटिन्यूअस टैक्स पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो हो सकता है कि रूल में लिख दे कि मंथली वालों तुम्हारे लिए 6 महीने और क्वार्टरली वालों तुम्हारे लिए कितनी रिटर्न्स, 2 रिटर्न्स, समझ आई, क्लियर है ये वाली बात। तो अगर आपने ये भी पालन नहीं करा तो रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, बैग डेट से कैंसिल, ठीक है जी। तीसरा क्या है, एनी पर्सन हु हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वही व्यक्ति जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था, क्यों लिया था वॉलंटरी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन उसने क्या नहीं करा, बिजनेस स्टार्ट नहीं करा, कितने महीने तक, 6 महीने तक नहीं करा, तो उसका भी हम कैसे कर देंगे रजिस्ट्रेशन, बैक डेट से कैंसिल। या उसने रजिस्ट्रेशन जो लिया है कैसे लिया, फ्रॉड से, कैसे लिया, फ्रॉड से, कपिल जैन के पेपर लगा दिए शादी में, ठीक है, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, या उसने कोई फैक्ट्स चुकाए, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट कैंसिल द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग एन गिविंग द पर्सन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, ठीक है, कैंसिल करने से पहले तुम्हें क्या देगा, वो एक अपॉर्चुनिटी देगा, बताओ ठाकुर क्यों तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना कर दिया, रिप्लाई दे दो, ठीक है। हो सकता है सोनू ने शादी हुई इसकी, रजिस्ट्रेशन ले लिया जीएसटी में, अब ये चला गया घूमने, हनीमून मना रही, अब इनके घर पे चिट्ठी आई, अब रिटर्न भी तो फाइल करते थे, ये कह रहा सर मैं तो हनीमून मना रहा हूं पिछले 8 महीने से, अभी तो 1 साल तक तो कुछ नहीं करूं मैं, तो कैंसिल की चिट्ठी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, चिट्ठी, फिर ये क्या करेंगे, रिप्लाई क्या करेंगे, वो सेटिस्फाई हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो,
क्लियर हुआ? अब तुम्हें ये समझ आ गया रजिस्ट्रेशन किस किस केस में कैंसिल हो जाएगा, तो कौन से रूल को वॉयलेट करा तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और अगर रूल 86 बी को करा दो तब नहीं होगा, तब भी हो जाएगा। रूल 10 हो, 10 को कैंसिल वॉयलेट करा दो तब भी हो जाएगा, ठीक है। या अगर मैं बोल दूं रूल 10 को वॉयलेट करा तब भी हो जाएगा, सेक्शन 171 का वॉयलेशन करा दो तब भी हो जाएगा। समझ में आ रहा हूं मैं कैसे बोल रहा हूं? क्योंकि रूल 21 में ये सारी बातें लिखी। समझ आ गई कहानी? हाँ। अब इसमें चार सेक्शन रहते हैं, 3, 4, 5, 6, आज ही करना है नेक्स्ट क्लास में। हाँ बोलो जी। चलो थर्ड फोर्थ कर लो, ठीक है, थोड़ा सा कर लो थर्ड फोर्थ, ठीक है, रीडिंग कर लेना। द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्टर अंडर दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी, कि रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कैंसिल हो गया इससे क्या नहीं अफेक्ट होगी, तुम्हारी लायबिलिटी अफेक्ट नहीं होने वाली, तुम्हें लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। किस चीज की लायबिलिटी? लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट और डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशंस अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर फॉर एनी प्रायर पीरियड। एक व्यक्ति 2 साल से रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, मैंने उससे कहा ताऊ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा ले, कह रहा क्या कैंसिल करा ना, डिपार्टमेंट ने मेरा खुद ही कर दिया। अरे डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया, मान लो उसकी करंट डेट से कर दिया। कैसे कर दिया, समझना मेरी बात को। एक व्यक्ति ने रजिस्ट्रेशन लिया 1 जुलाई से लिया, दिसंबर 2017 तक रिटर्न भरी, 2019 तक कोई रिटर्न नहीं भरी, 17 से 19 तक कोई रिटर्न नहीं भरी, 2022 में डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा 2019 से, कहां से कैंसिल करा, क्या इन 2 सालों की रिटर्न भरनी है उसे या नहीं भरनी है, बोलो। और अगर डिपार्टमेंट ने कैंसिल करा 2017 से, उन 2 सालों की भरनी है नहीं भरनी, रिटर्न नहीं भरनी, लेकिन टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी। समझ आई कहानी या नहीं? तो इसलिए जब भी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको टैक्स भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, पेनल्टी भी देनी है फॉर एनी पीरियड प्रायर टू डेट ऑफ कैंसिलेशन। कब तक की? जब तक तुम्हारा कैंसिलेशन हो जाए। वेदर और नॉट सच टैक्स एंड अदर ड्यूज आर डिटरमाइंड, या तो टैक्स और इंटरेस्ट हम अभी डिटरमाइन कर लेंगे या जब हमें फुर्सत होगी कब वो कर लेंगे, ठीक है ना, बिफोर और आफ्टर द डेट ऑफ कैंसिलेशन। लेकिन यहां पर जीएसटी ऑफिसर एक गलती कर रहे हैं, वो गलती पूरे इंडिया के 90% ऑफिसर्स कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? तुम्हारे लिए बढ़िया है। वो जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं वो कहते हैं तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और तुम्हारी टैक्स लायबिलिटी है नील। क्या निकाल के दे देते हैं? टैक्स लायबिलिटी नील। लेकिन अगर उसका सही से असेसमेंट किया जाए तो एक असेसी की बहुत सारी लायबिलिटी निकल सकती है। उससे पूछा जा सकता है तो अपना स्टॉक बता, ये बता, वो बता, सारी चीजें बता, ठीक है ना। हाँ, तो लेकिन डिपार्टमेंट अभी क्या कर रहा है? नील। वो क्या सोच रहा है कि बाद में ले लेंगे। लेकिन जो होशियार ऑफिसर है, रजिस्ट्रेशन अगर किसी ने एप्लीकेशन दे दी उसे कि मेरा कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं करते कि जाओ हो गया कैंसिल, समझ गए, पहले पूरी लायबिलिटी निकालते हैं, शादी में कितना खर्चा हुआ था, हाँ कितना दहेज लिया था, ठीक है, पूरी लायबिलिटी निकालते हैं फिर कैंसिल करते हैं, फिर वो कहता ले नहीं रहने तो कैंसिल ही होते। समझ भाई कहानी आनी है? हाँ जी। तो ये पूरी लायबिलिटी तुम्हें देनी ही पड़ेगी। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द SGST, वही डीमिंग प्रोविजन चल रहा है कि जो SGST में हो गया वो CGST में होगा, ठीक है। ये मैं रीड कर आगे छोड़ दे रहा हूं जिससे सेक्शन 29 कंप्लीट हो जाए, फिर रूल पे बातें कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जब मैं रूल पढ़ाऊंगा तो ये दोबारा पढ़ा दूंगा, अभी मैं तुम्हें सिर्फ रीड कर आगे छोड़ दे रहा हूं। ये क्या कहता है? जब तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो तुम्हारे पास स्टॉक होगा, तुम्हारे पास कैपिटल गुड्स होंगे जिस पर तुमने क्या ले रखा होगा, ITC। अब वो ITC मुझे दे दे, तुम्हें जाना है मुझे छोड़कर जाओ, लेकिन मेरा क्या देकर जाओ, ITC देकर जाओ। ये एक बात लिखिए, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल शैल पे एन अमाउंट, क्या करेगा वो, पे करेगा बाय वे ऑफ डेबिट इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। मतलब कि जो क्रेडिट लेजर में पैसा आ रहा होगा उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट का मतलब होता है पैसे निकाल लेना। किससे पैसे निकाल लेंगे? क्रेडिट लेजर से।
वो कह रहा मैं तो क्रेडिट लेजर में खुक्कल है, एक एग्जाम्पल में बताया था ना मैंने। वो कह रहा अगर क्रेडिट लेजर में पैसा नहीं हुआ तो किससे ले लेंगे, कैश लेजर से। किससे, किसके बराबर पैसा लेंगे, इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेन्ड इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स। जो भी तुम्हारे पास स्टॉक में गुड्स होगा उस पर जितना भी ITC होगा वो हम सारा ले लेंगे, चाहे तुम्हारे कैपिटल गुड्स पे हो, चाहे तुम्हारे प्लांट एंड मशीनरी पे हो, किस दिन, जिस दिन तुम कैंसिलेशन करा रहे हो, डी रजिस्टर्ड करा रहे हो। ऑन द डे ऑफ सच कैंसिलेशन और आउटपुट टैक्स पेबल, उसकी हम सेल वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि तुम आउटपुट टैक्स पेबल ज्यादा आ रहा है या ITC ज्यादा आ रहा है। जो भी ज्यादा होगा हम वो ले लेंगे। और इसकी कैलकुलेशन का एक अलग तरीका होगा, इसकी कैलकुलेशन का तरीका किस में लिखा हुआ है, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड रूल में। तो हमें वो रूल भी पढ़ना है कि कैसे कैलकुलेशन। लेकिन इसमें एक प्रोविजो भी ऐड होता है, प्रोविजो क्या है कि अगर जब कैपिटल गुड्स का आप ITC लोगे तो मान लो 5 सालों के लिए कैपिटल गुड्स था, कितने सालों के लिए था, मैंने 3 साल तक यूज कर लिया, अब मैं डी रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ मैं, तो 3 सालों का तो दो ना यार मुझे, तो उसकी कैलकुलेशन बताइए कि इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी द टैक्सेबल पर्सन शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू ITC ऑन सेड कैपिटल गुड्स रिड्यूस बाय सच परसेंटेज। क्या लिखा है जी, 1% से हम रिड्यूस करेंगे। क्लियर हुआ सेक्शन 29। हाँ, नेक्स्ट क्लास में इसके रूल्स पढ़ने, इसकी कैलकुलेशंस पढ़नी, ठीक है। तो होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पोर्शन खत्म कर देंगे। चलिए जी, थैंक यू।